नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूँ आप सभी का DSP कोचिंग सेंटर में। तो देखिएगा, इस वीडियो में हम EMRS भर्ती 2023 JSS जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर पेपर यानी प्रैक्टिस पेपर 5 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत जाके देखिएगा। और देखिएगा, आपको पता है कि EMRS JSA में जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में जो कंप्यूटर पूछा जाएगा आपका 30 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो हमें 30 में से 30 मार्क्स लेकर आने हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वो 30 के 30 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इनका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर EMRS JSA की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा, यहाँ पर यदि आप EMRS JSA का प्रैक्टिस वर्कबुक यानी कि प्रैक्टिस पेपर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तुरंत जाकर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि देखिएगा 15 प्रैक्टिस पेपर दिए हुए हैं और किरण का ये प्रैक्टिस पेपर है पूरा, और जिसमें आपको देखिएगा आंसर के साथ आपका सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है। और सभी सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन है आपके। देखिएगा, मैथ है आपका 20 मार्क्स का, रीजनिंग 20 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस आपका 30 मार्क्स का, इंग्लिश आपका 15 मार्क्स का, हिंदी 15 मार्क्स का, और कंप्यूटर आपका 30 मार्क्स का। देखिएगा, जो यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर है वो आपके 33 मार्क्स के हैं। तो इस ई बुक में 15 प्रैक्टिस पेपर आपके दिए हुए हैं, सॉल्यूशन के साथ दिए हुए हैं, तो आप इस ई बुक को जरूर डाउनलोड कीजिए। और देखिएगा, इसके साथ आपको 2550 प्लस क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के फ्री दिए जाएंगे, यानी जो ये PDF है आपकी कंप्यूटर की, जिसमें 2550 क्वेश्चन ये आपको बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुरंत जाकर डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने में यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7354152348, और नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आप वहाँ भी हमसे बात कर सकते हैं यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, वर्तमान दस्तावेज को सेव करने हेतु निम्न में से कौन सी कीबोर्ड की शॉर्टकट कुंजी है? तो कौन सी है? F12 है। और देखिएगा, तत्काल में सेव करने के लिए यानी तुरंत सेव करने के लिए हम Ctrl+S का भी यूज करते हैं, बिल्कुल आप सभी को याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंप्यूटर सिस्टम में सर्वर और अन्य संसाधनों के समूह हेतु क्या शब्द है जो एकल सिस्टम की तरह कार्य करता है और उच्च उपलब्धता को सक्षम बनाता है? चलिए इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपना आप स्कोर चेक कीजिएगा कि हमने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्लस्टर। क्योंकि देखिएगा, कंप्यूटर सिस्टम में क्लस्टर सर्वर और अन्य संसाधनों का एक समूह होता है जो एक सिस्टम की तरह कार्य करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अगला अपना क्वेश्चन नंबर 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिएगा, जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन लिए हैं, जो ये प्रैक्टिस पेपर है आपका 30 मार्क का, 30 क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि आपके 2 से 3 क्वेश्चन 100% यहीं से आने वाले हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रोग्राम है जो वेबसाइटों पर जाता है और एक सर्च इंजन इंडेक्स के लिए प्रविष्टियाँ बनाने हैं तो उनके पेज और अन्य जानकारी पढ़ता है? तो क्या है? स्पाइडर। और स्पाइडर को हम देखिएगा क्रॉलर और वाट नाम से भी जानते हैं। क्या? क्रॉलर। तो देखिएगा, क्रॉलर यानी स्पाइडर एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों पर जाता है और खोज इंजन यानी इंडेक्स के लिए प्रविष्टियां बनाने के लिए उनके पृष्ठों और सूचनाओं को पढ़ता है। क्या है? स्पाइडर। और इसको हम क्रॉलर और वाट भी कहते हैं। जैसे कि गूगल जैसे खोज इंजन अर्थपूर्ण परिणाम देने के लिए खरबों वेब पेजों को खोजते, क्रॉल करते हैं और रैंक करते हैं। आपको ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है? स्पाइडर को हम क्रॉलर और बांट भी कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक भाषा जिसे एक प्लेटफॉर्म पर लिखा जा सकता है और दूसरे प्लेटफॉर्म पर निष्पादित किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? तो पोर्टेबल कहा जाता है। और पोर्टेबल एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है? पोर्टेबल क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
जो एक से अधिक कंप्यूटर सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने में सक्षम है। उदाहरण जैसे कि हम एग्जाम्पल माने जैसे कि जावा, ठीक है, सी प्लस प्लस, तो आप सभी को याद रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्राम है जो स्पैम को पहचानने और हटाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है? चलिए इसका आंसर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंटी स्पैम प्रोग्राम है। कौन सा? एंटी स्पैम प्रोग्राम है, याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर सिक्स। जब एक माइक्रोसॉफ्ट पाउच प्रोजेक्ट सेव करते हैं तो आप किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग करते हैं? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट .adp, एक्सेस प्रोजेक्ट के लिए एक फाइल फॉर्मेट है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस मेनू के तहत मैक्रोज पाया जा सकता है? तो टूल, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। एक DNS किसी डोमेन नाम को किस में अनुवादित करता है? एक DNS किसी डोमेन नाम को किस में अनुवादित करता है? तो ये IP में अनुवादित करता है, बिल्कुल याद रखना है आप सभी को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? तो विंडोज एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजर है, जो कि ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला। पहला ईमेल कब भेजा गया था? देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। पहला ईमेल कब भेजा गया था? तो जो पहला ईमेल है ये आपका 1971 में भेजा गया था, यानी 1971 में भेजा गया था। और ये किसके द्वारा भेजा गया था? तो टॉम लिंसन के द्वारा भेजा गया था, आपको ये भी याद रखना है अच्छे से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11। किस वर्ष ईमेल एड्रेस में उपयोग के लिए @ का चयन किया गया था? किस वर्ष ईमेल एड्रेस में उपयोग के लिए @ का चयन किया गया था? चलिए इसका आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो मार्च 1972 में, याद रखना है आप सभी को, मार्च 1972 में @ का चयन किया गया था। चलिए देखते हैं अगला। ईमेल संदेशों के लिए संग्रह क्षेत्र क्या कहलाता है? ईमेल संदेशों के लिए संग्रह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो मेल बॉक्स कहलाता है, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इसका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वह सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्फ यानी नेट विचरण करने की अनुमति देता है क्या कहलाता है? तो कहलाता है ब्राउजर, बिल्कुल याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। CPU का कार्य निष्पादन प्रायः मापा जाता है, किस में मापा जाता है CPU का कार्य? तो MIPS में, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित MS Excel फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? FLOOR53। MS Excel फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? तो क्या होगा? 3, याद रखना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इसका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। MS वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट यानी दृश्य व्यू विकल्प क्या होता है? MS वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट दृश्य विकल्प क्या होता है? तो क्या होता है? प्रिंट लेआउट होता है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखेंगे सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
किसी दस्तावेज में चयनित टेक्स्ट पर एक सीधी रेखा खींचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एमएस वर्ड विशेषता का उपयोग किया जा सकता है? तो स्ट्राई क्रूथ का उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल याद रखेंगे आप सभी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, देखिएगा, निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य स्पष्ट कीजिए। तो देखिएगा, जो फर्स्ट है हमारा एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में समान लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए, दूसरा एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में समान इंडेक्स होना चाहिए। तो देखिएगा, टेक्स्ट दर्ज करके और फिर इंटर कुंजी दबाकर एक परिच्छेद बनाया जाता है। एक परिच्छेद में एक शब्द, एक वाक्य या कई वाक्य हो सकते हैं। परिच्छेद डायलॉग बॉक्स विकल्पों में समान इंडेक्शन और स्पेसिंग विकल्प उपलब्ध है। तो देखिएगा, जो आपका पहला है ये आपका नहीं होगा, असत्य रहेगा। एम एस वर्ड में सभी पैराग्राफ में समान इंडेक्शन होता है, होना चाहिए, नहीं, तो ये भी आपका असत्य रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों आपके असत्य हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जब आप C9 मेल का चयन करते हैं तो कितने मेल चुने जाएंगे? कंट्रोल कुंजी दबाएं और फिर एक्सेल वर्कशीट में AI सेल पर क्लिक करें। तो देखिएगा, जब आप किसी सेल C9 का चयन करते हैं तो कंट्रोल कुंजी दबाए रखें, किसी अन्य सेल यानी AI पर आप क्लिक करते हैं तो चयनित सेल की कुल जो आपकी संख्या होगी वो कितनी होगी? 2 होगी, याद रखिएगा आप सभी, 2 होगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्रोम ब्राउजर में वर्तमान में खुले टैब को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+W का, याद रखिएगा सभी, Ctrl+W का, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। अगला, उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड को सत्यापित करने की प्रक्रिया क्या है? उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड को सत्यापित करने की प्रक्रिया क्या है? तो क्या है? प्रमाणीकरण, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखेंगे सभी, प्रमाणीकरण। चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 22। कौन सी कुंजी एक डेटाबेस तालिका से रिकॉर्ड को किसी अन्य डेटाबेस तालिका में रिकॉर्ड से लिंक करती है? तो बाएं कुंजी, याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन एक शहर को आवरण में ले जा सकता है जिसका दायरा 100 किलोमीटर से कम है, जैसे केबल टीवी नेटवर्क? चलिए इसका आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 23 का, तो MAN, याद रखेंगे सभी, MAN यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स एक ऐसे शहर को आवरण में ले जा सकता है जिसका दायरा 100 किलोमीटर से कम है। MAN का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण केबल टेलीविजन नेटवर्क है, जैसे कि रोजर्स केबल टीवी सिस्टम, हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस, और एक MAN है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखना है आप सभी को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर या वायरस नहीं फैला सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर या वायरस नहीं फैला सकता है? तो एक प्लेन टेक्स्ट मेल, बिल्कुल याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सॉफ्टवेयर K7 इसका एक उदाहरण है, सॉफ्टवेयर K7 किसका एक उदाहरण है? वायरस बर्म एंटीवायरस फोटो एडिटर, तो किसका है? एंटीवायरस का है, क्योंकि देखिएगा K7 कुल सुरक्षा K7 कंप्यूटिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित की गई है। यह मेलवेयर रोकथाम और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हटाने की सेवाएं प्रदान करता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड रहेगा, ऑप्शन नंबर एंटीवायरस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 26। कंप्यूटर वायरस के परिणाम किसे प्रभावित नहीं कर सकते? कंप्यूटर वायरस के परिणाम किसे प्रभावित नहीं कर सकते हैं?
तो मदरबोर्ड क्रैश को ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि मदरबोर्ड को कंप्यूटर वायरस द्वारा क्रैश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मदरबोर्ड का फर्मवेयर या BIOS के रूप में नियंत्रित किया जाता है, BIOS के रूप में, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला, विकल्प बदले यानी कि रिप्लेस, ठीक है, किस पट्टी यानी कि बार में उपलब्ध है, टूल मेनू में, एडिट मेनू में, फाइल मेनू में, इंसर्ट मेनू में। तो मेनू बार के एडिट मेनू में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है, मेनू बार के एडिट मेनू में, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर रहेगा, एडिट मेनू। चलिए देखते हैं अगला, CPU और मेमोरी के बीच आंकड़ा स्थानांतरण हेतु एक पथ उपलब्ध कराता है, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डाटा बस, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा, तो डाटा बस, यानी डाटा बस CPU और मेमोरी के बीच आंकड़ा स्थानांतरण हेतु एक पथ उपलब्ध कराता है, बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, डैश को लगातार रिफ्रेश करते रहना होता है ताकि सूचना भंडारित रहे, अन्यथा यह उसे खो देगा जो इसने धारण किया है। चलिए इसका आंसर क्या होगा, तो क्या होगा, ड्रैम होगा, यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, विंडो का वह भाग है जो वर्तमान टैब में उपस्थित वेब पेज को धारण करता है, स्टेटस बार, कमांड बार, या फिर फेवरेट्स बार, कंटेंट एरिया। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप सभी कमेंट करेंगे, जिनको भी आता है इसका आंसर आप सभी कमेंट में देंगे। और देखिएगा ये 30 क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। और मैंने आपसे कहा है कि कंप्यूटर के आपके कम से कम 50 प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट करवाने वाले हैं, 50, जिनसे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, यानी लगभग आपको कंप्यूटर में यदि 30 में 30 मार्क्स लाना है तो आपको 2000 के लगभग क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे ही। तो आप ऐसा कीजिएगा, जो हमारी ई बुक है कंप्यूटर की 2550 वाली, आप उसको डाउनलोड कीजिएगा और फिर उसको आप पढ़िएगा, फिर आप ये प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा, आप गारंटेड 30 में 30 मार्क्स लेकर आओ। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनके पास हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आ सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।